ये है दोस्तों हमारा डेबिट कार्ड जो कि कुछ इस प्रकार से आता है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। इसका इमेज काफ़ी बढ़िया है और ये लुकिंग भी काफ़ी मस्त है और इस जगह पर अपना नेम का ब्रांडिंग रहता है और पीछे की तरफ बाकी कार्ड का डिटेल जैसे कि कार्ड का नंबर। हेलो गाइज, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और इस प्रकार का नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर। हाय गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही है, मैंने कुछ दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक का उन्नति सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग करके दिखाया था और फाइनली मैं उस अकाउंट को ओपन भी कर चुका था और आज हम लोग मिल चुका है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से उसी सेविंग्स अकाउंट का किट जो कि कुछ इस प्रकार से पार्सल होकर आता है। आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, सेम इसी प्रकार से पार्सल होकर आया था। मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस किया हूँ, मतलब ये जो देख रहे हैं ना, मैं इसको काट चुका हूँ क्योंकि भाई उन्नति सेविंग्स अकाउंट लोग ये कहते थे कि एक अच्छा सेविंग्स अकाउंट होगा, तो मतलब इतना एक्साइटमेंट था कि मैं इसको थोड़ा सा काट ही चुका हूँ। लेकिन जो भी हो, फिर भी अनबॉक्सिंग का मज़ा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग भी उन्नति सेविंग्स अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो इसका अनबॉक्सिंग देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि तभी आप लोगों को पता चलेगा भाई इसका डेबिट कार्ड और इसके अंदर क्या क्या चीज़ रहता है। और गाइज, अगर आप लोगों ने अकाउंट को ऑलरेडी ओपनिंग कर चुके हैं तो भाई ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से क्या क्या किट आप सबको मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनुराज और आप लोग देख रहे हैं माय मर्डर। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं आज का नया और कुछ खास एपिसोड। सो गाइज, यहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर हम लोग इसको काटे तो इस प्रकार से आता है और इसके अंदर पर ये मिल जाता है एटीएम का कुछ गाइड वगैरह, मतलब इसी जगह पर लिखा गया है कि भाई एटीएम कार्ड का पिन कैसे जनरेट करना है, कितना लिमिट है और भी वगैरह वगैरह चीज़ें। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से पकड़ के रखा हूँ। आप लोग यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और देख लीजिए कि यहाँ पर लिमिट कैसे लगाया गया है और अगर आप लोग जानना चाहते हैं पिन को कैसे सेट किया जाता है तो मैं जो कि है इसको और थोड़ा सा पकड़ के रखता हूँ। आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके रीड कर सकते हैं। और गाइस, अगर इस वीडियो के नीचे बहुत सारा कमेंट आ जाए कि इस पेपर के अंदर क्या कुछ लिखा गया है तो मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करके इंटरेस्ट शो करेंगे तो। सो गाइस, ये गया एक पेपर और उसके अंदर मिलता है हम लोगों को और एक पेपर और इसके अंदर है डेबिट कार्ड। सो इस पेपर पर क्या लिखा गया है, इसी पेपर पर हमारा अकाउंट नंबर और उसके साथ साथ डेबिट कार्ड का कुछ डिजिट, मतलब फर्स्ट चार डिजिट और लास्ट चार डिजिट यहाँ पर मिलेगा और जिस जगह पर डिलीवर होने वाला था मतलब उसी डिलीवरी एड्रेस दिखाया जाएगा। और अगर बाई चांस डिलीवरी नहीं होता है तो होम ब्रांच पर, यानी जिस ब्रांच को चूज़ करते हैं आप लोग अपना अकाउंट को ओपनिंग किए थे, उसी ब्रांच पर ये पार्सल चला जाएगा। ये कुछ चीज़ें लिखा गया है। सो दोस्तों, मान के चलिए अगर आप लोग अकाउंट को ओपनिंग करते हैं और जब ये डिलीवरी होता है तो उस टाइम को आप लोग घर में नहीं रहते हैं तो टेंशन लेने का कुछ बात नहीं, यहाँ पर बताया गया है। अगर डिलीवरी नहीं होता है तो होम ब्रांच पर ये शिफ्ट हो जाएगा और आप लोग जब चाहे अपना होम ब्रांच से ये किट को कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर वही कुछ प्रेम पत्र वगैरह लिखा गया है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कि भाई आपको वेलकम है, आपने पंजाब नेशनल बैंक का फैमिली का हिस्सा बने जो कि लगभग 17 करोड़ प्लस कस्टमर का नेटवर्क बन चुका है। और कुछ चीज़ यहाँ पर बताया गया है, अगर आप लोग समझदार हैं तो आप सबको पता ही है। और इस जगह पर क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह वगैरह ये सब बताया गया है, जैसे कि आप सबको ये कोई कॉमन सा चीज़ हो गया क्योंकि इस जमाने पर बहुत सारे लोगों को पता है क्या कुछ कॉमन सा चीज़ें हम लोगों को मिलता है। तो गाइज, ये है दोनों पेपर, हम लोग इसको करते हैं साइड में और अभी हम लोग बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि इसी जगह पर हम लोगों को मिल जाता है डेबिट कार्ड और इसी डेबिट कार्ड का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। क्या डिज़ाइन, सॉरी यार बाद में दिखाऊंगा, पहले इसको दिखा देते हैं। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो फाइनली बात तो ये हुआ, ये गया डेबिट कार्ड का एक इन्वॉल्व, कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर आप लोग जो पिक देख रहे हो ना, इसी प्रकार से डेबिट कार्ड बन के आया है और यहाँ पर रहता है PNB का ब्रांडिंग और डेबिट कार्ड का कुछ नंबर वगैरह, मतलब कहीं पे कुछ ब्लॉक वगैरह करना है तो वही कुछ चीज़ें नंबर रहता है जो कि यहाँ पर लिखा गया है, मतलब ये है डेबिट कार्ड का इन्वॉल्व। और ये है दोस्तों हमारा डेबिट कार्ड जो कि कुछ इस प्रकार से आता है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। इसका इमेज काफ़ी बढ़िया है और ये लुकिंग भी काफ़ी मस्त है और इस जगह पर अपना नेम का ब्रांडिंग रहता है और पीछे की तरफ बाकी कार्ड का डिटेल जैसे कि कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर जो कि पीछे है, ये काफ़ी एक कमाल चीज़ है क्योंकि भाई मैं भी सोच रहा था जो मुझे डेबिट कार्ड मिलेगा उसका नंबर पीछे रहे ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ा आसानी हो जाए। जो लोग समझदार है वो लोग समझ चुके हैं
और जो लोग समझदार नहीं है प्लीज़ हमारे छोटा सा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो के एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग ये वाला चीज़ को समझ पाए या फिर नहीं। गाइस इसका ब्रांडिंग तो काफ़ी अच्छा है और ये NFC सपोर्टेड रुपए प्रीपेड प्लस डेबिट कार्ड हम लोगों को मिल जाता है जिसका ब्रांडिंग सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर बॉस का दोनों पिक्चर रखा गया जिसका क्वालिटी वाइज सच में मज़ा है 200 के साथ। इसी चलते हुए अगर आप लोगों ने चैनल को भाई अभी तक किए नहीं सब्सक्राइब तो कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से जरूर कर दीजिए एक लाइक क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हैं। और गाइज इसी बातों में हम लोग इसको काट देते हैं इसका अंदर जो कि देखने के लिए थोड़ा सा मस्त लगता है क्योंकि भाई इसको अगर हम लोग पकड़ कर रखेंगे अजीब सा ही फीलिंग्स आता है और ये जो इन्वॉल्व है देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत रहता है। सो गाइस बस यही था इसका कुछ वेलकम किट का कहानी, इसके अंदर हम लोग को और कुछ भी नहीं मिला है। फिर मुझे पता है बहुत सारा लोगों का ये कॉमन सा क्वेश्चन रह जाएगा कि भाई आपने जो अकाउंट ओपनिंग करके दिखाया था उसी अकाउंट पर तो आपने चेकबुक का ऑप्शन पर भी टिक किया लेकिन आप लोगों को चेकबुक क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों मुझे फिलहाल एक ही किट मिला है लेकिन मैं ये कन्फर्म हूँ मैं चेकबुक का जगह पर भी टिक किया था। शायद कुछ अलग सा कुछ फंडा होगा जिसके कारण से मुझे चेकबुक नहीं मिला है। आखिर क्या कुछ फंडा है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा बट उससे पहले मैं कस्टमर केयर पर कॉल करके डिटेल्स पता करूँगा फिर आप लोगों के लिए स्पेशली और एक वीडियो मैं बना के लेके आऊँगा। और दोस्तों इसके अलावा जो सारा फैसिलिटीज मैंने एक्टिव किया था सारा फैसिलिटीज मिल चुका है और बाकी रहा इसका पासबुक के बारे में वो तो भाई आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा। और ATM पिन कैसे जनरेट करते हैं अगर आप लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे क्योंकि भाई आप लोगों का कमेंट के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंतजार करता हूं और कमेंट पर क्या कुछ क्वेश्चन आता है मैं उसका आंसर जरूर करता हूं। बस बहुत धन्यवाद बॉयज मिलेंगे इस प्रकार नया संदेश और कमाल है पीस के लिए गाइस बाय बाय।